हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और जैसा कि आपको पता है कि हिंदी डीजीटी एंड पीजीटी की प्रिपरेशन हमारी ऑलरेडी चल रही है। टॉपिक वाइज यहाँ पे हम क्वेश्चन देख रहे हैं और ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हिंदी साहित्य के हमने कंप्लीट किए हैं। क्वेश्चन हम वही डिस्कस करते हैं जो कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाते हैं। डिफरेंट एग्जाम जैसे KVS, NVS, UP, TGT एंड PGT कुछ क्वेश्चन हम इंक्लूड करते हैं यहाँ पे, UGC, NET एंड UPSC डिग्री कॉलेज लेवल के भी। सो एक टॉपिक हमारा रह गया था प्रयोगवाद, तो प्रयोगवाद से क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन पुटअप हुए हैं तो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं। दो पार्ट में रहेगा और दोनों पार्ट आपको आज ही मिल जाएगा। एक आपकी अभी की क्लास हो रही है और दूसरी जो है आपकी रात को 8 बजे जो हमारी रेगुलर क्लास चलती है उस टाइम पे हम डिस्कस कर लेंगे इसके बचे हुए क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं तो रिप्लाई करने के लिए रेडी हो जाइएगा। ऑलराइट, सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया? 5, 4, 3 या 2? आप प्रयोगवाद अगर पढ़ रहे हैं तो ये जितने भी सप्तक हैं गे के इसको एकदम से मतलब घोल के पी लेना है। इससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा इसी से पुटअप हुए हैं अभी तक में, आते ही आते हैं। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 4 सप्तकों का प्रकाशन किया था अज्ञेय ने। और इसमें स्पेशली जो तार सप्तक में टोटल 7 कवि थे, ठीक है। तो पहला जो था वो तार सप्तक था, उस दूसरा फिर दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक और चौथा तार सप्तक, 7 कवियों से मिलके बनाया गया था। और 7 कवि कौन कौन थे? तो इसमें रामविलास शर्मा, अज्ञेय, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे और नेमीचंद्र जैन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ये नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं तार सप्तक से। चलिए स्टार्ट करेंगे, सॉरी बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम लिखिए, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए आपका होता है ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय जी को ही प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। और ये कब से माना जाता है कि प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से हुआ? आरंभ जो इसका हुआ है 1943 ईस्वी में स्टार्ट हुआ, जब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी अज्ञेय जी ने प्रकाशित किया क्या, तार सप्तक। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आप किस विधा की कृति है, कहानी, समीक्षा, उपन्यास या काव्य? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, काव्य है ये एक दो आप। जयशंकर प्रसाद की कृतियाँ किस विकल्प में है, यानी कि कौन से ऑप्शन में? जितनी कृति है वो पूरी जयशंकर प्रसाद जी की है। तो फटाफट से आप सारे ऑप्शंस पढ़िए और रिप्लाई करिए। ये KVS में पूछा जा चुका क्वेश्चन है PGT लेवल पे। आंसर जो इसके लिए सही होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, झरना, लहर, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, ये सारी ही रचनाएं जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की हैं। कुछ और भी इनकी रचनाएं हैं जैसे कि कामायनी हो गई, आंसू हो गया, कानन कुसुम है, उर्वशी है, ये सारी पूछी जाती हैं अक्सर। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है, दूधनाथ सिंह, विजय देव नारायण शाही, लक्ष्मीकांत वर्मा या धर्मवीर भारती? और जो उत्तर यहाँ पे सही होता है इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, विजय देव नारायण शाही। तो इनकी रचना है मछली घर जो कि एक काव्य संग्रह है। कुछ और भी इनकी काव्य संग्रह है जैसे संवाद तुमसे करके है, साखी है। तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ, तो अभी ये थोड़ी देर पहले बताया हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? 3 बार पूछा जा चुका है, UP TGT में 2005 में, UP PGT में 2002 में, UP PSC में 2013 में। सो अभी मेरे पास जितना रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग ये 3 बार पूछा जा चुका है, बाकी घुमा फिरा के कई बार अलग अलग टाइप से आया हुआ है। करेक्ट आंसर होता है इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, 1943 में। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है में कौन सी कविता संकलित नहीं है, जन्मदिन की धूप में, एक स्वप्न कथा, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस?
सही उत्तर इस क्वेश्चन के लिए होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जन्मदिन की धूप में। ये है, इसमें संकलित नहीं है। बाकी की जो भी रचनाएं हैं, एक स्वप्न कथा, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, ये सभी जो है चांद का मुटेरा है में संकलित हैं। इनमें से कौन सा रचनाकार तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है? तो वही जो सात कवि हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए। अगर आपको याद होंगे तो इस तरह के आपके सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी, केदारनाथ सिंह। ये जो है तार सप्तक में शामिल नहीं है। एक्चुअली ये है, ऐसा नहीं है कि ये है ही नहीं, इनका कोई कनेक्शन ही नहीं है, लेकिन ये सिर्फ तृतीय तार सप्तक के कवि हैं, पूरे तार सप्तक के कवि नहीं हैं। जैसे आपको पता है ना कि चार वो चला हुआ है, जिसमें पहला जो है वो तार सप्तक है, जिस समय स्थापना हुई तार सप्तक की 1943 में, है ना, उसी टाइम से ये सात कवि चल के आ रहे थे। लेकिन तृतीय तार सप्तक के कवि हैं केदारनाथ सिंह। तो जहाँ ऐसा क्वेश्चन है तृतीय तार सप्तक पूछा जाए तो वहां इनका नाम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अज्ञेय द्वारा संपादित चार तार सप्तकों में तीन कवियत्रियां भी संकलित हैं। फटाफट से देख लीजिए कौन है वो तीन कवियत्रियां। बेसिकली तो सात कवि ही हैं, लेकिन इसके अलावा तीन कवियत्रियां भी संकलित हैं। देख लीजिए कौन कौन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे। ये जो तीनों संकलित है, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है, आपको ये याद रखना होगा कि कौन सी कवित्री कौन से जो है तार सप्तक में शामिल है, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया है। तो देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले आती है आपकी शकुंतला माथुर, जो कि द्वितीय तार सप्तक में है। फिर आती है आपकी कीर्ति चौधरी, जो तृतीय तार सप्तक में है, और सुमन राजे हैं चतुर्थ तार सप्तक में संकलित। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ब्लैंक ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया, किसने? मार्क्सवाद ने, अस्तित्ववाद ने, प्रगतिवाद ने, या छायावाद ने? सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अस्तित्ववाद ने। देखिए अस्तित्ववाद ओवरऑल प्रयोगवाद ने क्या किया है कि साहित्य में पहली बार व्यक्तित्व अस्मिता की बात की है, ठीक है, यानी पर्सनल चीज़ों की बात की है, अपना निजी व्यक्तित्व, निजता, इन सब चीज़ों को महत्व दिया है प्रयोगवाद ने। सामाजिक न हो की चीज़ें क्या व्यक्तिगत हुई प्रयोगवाद के टाइम पे, ठीक है। और इस क्षण को मुक्ति बोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? विपात्र एक साहित्यिक की डायरी, चांद का मुंह टेढ़ा है, या भारत इतिहास और संस्कृति? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत इतिहास और संस्कृति। इसको जो है प्रतिबंधित किया कर दिया गया था। इसके पीछे की स्टोरी है कि जनरली मध्य प्रदेश शासन द्वारा भद्रता और नैतिकता के विरुद्ध में, मतलब इसका विरोध किया गया था इस पुस्तक में, तो इस वजह से मध्य प्रदेश न्यायालय में इसके खिलाफ जो है मुकदमा चला था, और निर्णय इसका निर्णय, या जो आप कह सकते हैं 10 आपत्तिजनक अंशों को इसमें से हटा कर इसे पुनः प्रकाशित किया जा सकता है, यही निर्णय दिया गया था। 10 चीज़ें उसमें ये था कि आप हटा दीजिए और उसके बाद आप इसको फिर से प्रकाशित कर सकते हैं, जैसे फिल्मों में होता है कि ये सीन कट करके आप फिर से इसको रिलीज़ कर सकते हैं, ऐसा करके, तो कुछ ऐसा ही था। और इस पुस्तक की भूमिका में मुक्तिबोध ने क्या लिखा है कि यह इतिहास की पुस्तक नहीं है, इस अर्थ में कि सामान्यतः इतिहास में जैसे राजा होते हैं और युद्ध होते हैं, उनके जो भी उनका पॉलिटिक्स वगैरह होता है, ये सब चीज़ों का विवरण रहता है, वैसा इसमें नहीं है। नाम से भले लगता है कि इतिहास और संस्कृति, बट ऐसा उसमें नहीं है। युद्धों और राजवंशों के विवरण में न अटककर मैंने, मैंने का मतलब किसने, मुक्तिबोध ने, अपने समाज और उसकी संस्कृति के विकास पथ पर अंकित किया है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो ये सारे रीजंस थे जिस वजह से इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था, और ऐसा कहा गया था कि चीज़ों को मतलब एडिट करके और फिर इसको जो है प्रकाशित किया जा सकता है। प्रियवंद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? प्रलय की छाया, आद्यवीणा, ब्रह्म राक्षस, या कामायनी? क्वेश्चन इज फ्रॉम यूजीसी नेट 2017। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, आद्यवीणा। ये सही आंसर हो जाएगा। अज्ञेय द्वारा मतलब रचित असाध्य वीणा का जो
पात्र है, प्रियवंध है, तो असाध्य आद्य लीला यहाँ पे लिखा हुआ है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन वह साधन है। बहुत ही फेमस लाइंस हैं ये प्रयोगवाद के से रिलेटेड। आपको बताना है ये कथन किस वाद से संबंधित है। NVS 2014 में PGT लेवल पे ये पूछा गया था प्रश्न। उत्तर आसान है, प्रयोगवाद, क्योंकि वही हमारा अभी टॉपिक चल रहा है, और ये जो है क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो सात कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या था। पहला तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक, तार सप्तक या तार सप्तक। उत्तर यहाँ पे सही होता है आपका ऑप्शन नंबर D, तार सप्तक। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था। प्रतीकवाद, रीतिकाल, प्रगतिवाद या भक्तिकाल। तो चलिए देख लेते करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए होता है आपका ऑप्शन नंबर C, प्रगतिवाद और छायावाद की रूढ़ियों के प्रतिक्रिया के रूप में जो है इसका जन्म हुआ था। प्रगति के बाद ही जो है आपका प्रयोगवाद वाला कालखंड स्टार्ट हुआ है, जो कि चलता है आपका 1943 से, अगर टाइमिंग पूछी जाए तो 1953, ये करीब 10 साल का कालखंड जो रहा है हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं NVS का। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं। पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक या चौथा सप्तक। सप्तक सप्तक लिखा है, देख लीजिए फटाफट से। आंसर यहाँ पे जो करेक्ट होता है आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर B, दूसरा सप्तक में भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं हैं। तो बार बार वही चीज बोल रही हूँ कि जो आपके अज्ञेय जी के सप्तक हैं जितने भी, वो आपको अच्छे से स्टडी करके ही जाना है। इसके थ्योरी पोर्शन को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, जहाँ से भी आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी बुक्स आप रिफर कर रहे हो। कौन सी काव्य कृति गिरजा कुमार माथुर की नहीं है। नास और निर्माण, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना, बुनी हुई रस्ती। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर D, बुनी हुई रस्ती। ये गिरजा कुमार माथुर की नहीं है, यह भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। इसके अलावा जो बाकी की रचनाएं दी हैं, यस, वो गिरजा कुमार माथुर की हैं। धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है। राधा के नवीन रूप का, सीता के दुख का, मीरा का या रसिक प्रिया का। ये भी क्वेश्चन NVS PGT से है। आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के पेपर तो अब तक सॉल्व भी कर लिए होंगे, क्योंकि अब तो टाइम है ही नहीं, अब तो बस एक लास्ट मॉक टेस्ट ही आप देंगे, प्रैक्टिस चल रही है, तो उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिले ही होंगे। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए होता है आपका ऑप्शन नंबर A, राधा के नवीन रूप का। तो धर्मवीर भारती की ये काव्य कृति है कनुप्रिया, जिसमें राधा के नवीन रूप का वर्णन है, और इस काव्य में राधा और कृष्ण के प्रेम का चित्रण किया गया है। धर्मवीर भारती वैसे भी मूलतः प्रेम के कवि जो है वो माने जाते थे। कुछ इनकी और भी रचनाएं हैं, अंधा युग इनकी बहुत फेमस है एक, ठीक है, देशांतर फेमस है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं फटाफट से लाइक कर दीजिए प्लीज, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है आप लोगों ने तो कर लीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने अपने ग्रुप्स में, जो भी आपके ग्रुप्स हैं एजुकेशनल। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक और या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना, ये कथन किसका है। सो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो हो जाता है ऑप्शन नंबर A, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का ही है कथन है, और यही प्रवर्तक हैं प्रयोगवाद के। कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं, ये देख लीजिए, नागार्जुन, मुक्तिबोध, त्रिलोचन शास्त्री या सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल।
यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, मुक्ति बोध की ये पंक्तियां हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का नहीं है? हरी घास पर क्षण भर, भूरी भूरी खाक धूल, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, इस यलम। उत्तर सही होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, भूरी भूरी खाक धूल। ये अज्ञेय जी का काव्य संग्रह नहीं है, बल्कि ये काव्य संग्रह गजानन माधव मुक्तिबोध जी का। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। बाकी के जो काव्य संग्रह हैं वो यस वो अज्ञेय जी के ही हैं। घोर अहम निष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, अभी तो हमें ये आंसर बन ही जाएगा क्योंकि हमारा टॉपिक ही चल रहा है प्रयोगवाद, तो हमें पता है कि आंसर जो है प्रयोगवाद ही होगा। लेकिन एग्जाम में आएगा तो वहाँ तो कंफर्म नहीं है ना कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन, तो आपको थोड़ा सा याद कर लेना है। घोर अहम निष्ठ व्यक्तिवाद, तो व्यक्तिवाद वर्ड आप याद कर लीजिए क्योंकि प्रयोगवाद में क्या है। अच्छा, इसको आप ऐसे याद रखिए, अगर नहीं याद होता है, प्रयोग का मतलब क्या होता है? कुछ प्रैक्टिकल करना। और जैसे आजकल लोग कहते हैं ना कि हम बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, बहुत अपने बारे में सोचते हैं चीज़ों को, है ना, मतलब दिल से नहीं सोचते, दिमाग से सोचते हैं, यानी कि पर्सनल चीज़ों के बारे में, पर्सनल सेल्फिशनेस के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। तो वही चीज़ हो जाती है प्रयोगवाद प्रैक्टिकल, व्यक्तिवाद यानी कि खुद का पर्सनल। तो इस तरह से आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं इन केस नहीं याद रहता है तो। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे सूची का मिलान करना है, रचनाओं के नाम हैं और रचनाकारों के, फटाफट से मैच कर लीजिए। चलिए मैच करते हैं इसको। तो सबसे पहले आपका इत्यलम, तो इत्यलम जो है वो आपकी है अज्ञेय जी की, अभी हमने देखा था अभी एक क्वेश्चन में, ऑप्शन में था ये। इसके बाद है ठंडा लोहा, तो ठंडा लोहा है रचना धर्मवीर भारती जी की। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। और बचता है आपका लास्ट ऑप्शन संशय की एक रात, तो ये नरेश मेहता जी की रचना है। और ये जो है रचना हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा था, नई कविता वाले ऑप्शन में भी, ठीक है। ये आज के क्वेश्चन थे। आई जस्ट होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टारिंग एंड बाय बाय।